आज हम राजमा बनाएंगे। इसके लिए हम राजमा लिए हैं। राजमा को 6 से 7 घंटा तक पानी में फुला कर रख दिए थे, उसको हम निकाल लिए हैं। प्याज लिए हैं, प्याज को बारीक काट लिए हैं। टमाटर है, उसको हम मिक्सी जार में पीस लिए हैं। अदरक है, लहसुन है और मिर्चा है, इसको भी बारीक काट लिए हैं। सबसे पहले हम राजमा को उबाल लेते हैं। एक कुकर लेंगे, राजमा उबाल लिए हैं और गैस भी निकल गया है, तो ढक्कन खोल करके पहले देख लेते हैं इसको। राजमा हमारा अच्छे से उबल गया है, देख सकते हैं। इसमें से हम गरम मसाला जो डाले थे उसको निकाल लेंगे। अब हम इसके लिए कढ़ी बना लेते हैं। पैन हमारा गरम हो गया है, तो इसमें हम तेल डाल देंगे। हम सरसों तेल में बना रहे हैं, आपको जो भी तेल पसंद है आप उसमें बना सकते हैं। एक चम्मच जीरा डाल देंगे। अदरक डाल देंगे और लहसुन डाल देंगे। अब मिर्चा भी डाल देंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक ढक कर पका लेंगे। बीच बीच में इसको चला कर देखते रहेंगे। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसमें अब हम मसाला डाल लेते हैं। एक चम्मच हल्दी डाल देंगे। दो चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे।
6 मिनट तक पका लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसको ढककर पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक। बीच में हम चलाकर इसको देख लेते हैं। मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है और 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई हो जाएगा और 1 से 2 मिनट के लिए ढककर इसको पका लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम पानी डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं, ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप और भी इसमें डाल लें। इसमें हम राजमा को भी डाल देते हैं। इसको हम ढक देंगे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 मिनट हो गया है तो इसको हम देख लेते हैं। राजमा हमारा बिल्कुल ही अच्छा बन गया है। अब इसे हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। एक मिनट के लिए इसको ढककर पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल लेंगे। राजमा हमारा बनकर तैयार हो गया है, तब गैस को हम बंद कर देते हैं। राजमा हमारा बनकर तैयार हो गया है तो इसको अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। राजमा हमारा देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो आप भी बनाने का ट्राई कीजिए। और वीडियो हमारा पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।